हजरत, मेरा ज़कात के ताल्लुक से एक सवाल था। हजरत जी, मैं डेली जो मेरी कमाई रहती है, ओपीडी रहती है, उसमें से मैं 2.5% ज़कात अलग निकाल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 3,000 डेली का होता है तो 75 रुपीज़ 100 रुपीज़ मैं निकाल लेता हूँ। तो ये जो ज़कात है, मैं हर महीने ज़रूरतमंद को मदरसे में दे भी देता हूँ हर महीने। अब रहा सवाल ये कि जो सेविंग अमाउंट जो रहता है मेरे पास मंथली 80,000 to 1 lakh, तो क्या रमजान महीने में इससे भी मुझे ज़कात देनी होगी? ये मेरा सवाल था, इस पर थोड़ी रहनुमाई फरमाइए और दुआ में याद रखिए। जी माशाल्लाह, माशा फरहान इंडिया से कॉल कर रहे हैं। ज़कात का मसला आपने पूछा है तो बड़ा अच्छा सवाल किया है, बिल्कुल सही है। उसमें एक डेली जो आमदनी, उसमें से आप 2.5% निकाल रहे हैं और मदरसे में गरीबों को दे रहे हैं, लेकिन जब साल का एंड होगा तो अब आपके पास जो सेविंग मौजूद है या जो इसमें से बचा हुआ जो उसके साथ मौजूद होगा, उस सब का आप हिसाब लगाएंगे। हिसाब लगा के देखेंगे कि टोटल ज़कात आप पर कितनी आ रही है। लेट्स सी, आपने देखा कि 7,000 इंडियन रुपीज़ जो है ज़कात बन रही है, ठीक। अब आप साल भर में जो आप एडवांस में ज़कात देते रहे हैं हर महीने की, उसको देखें कितनी दी आपने। देखा जी 3,000 मैं रुपये इंडियन दे चुका हूँ, उसको 7,000 में से माइनस कर दें तो 4,000 बच गया। तो 4,000 इंडियन रुपीज़ अब आपको रमज़ान में ज़कात देनी है। तो सेविंग जो पड़ी है उसको भी आपने निसाब में शामिल करना, उसके भी 2.5% आपको निकालना होगा। और पूरे साल उसके साथ जितना जो नथी होगा साल के आखिर में, उस सब की टोटल निकाल के दी हुई ज़कात को माइनस कर दें, बाकी आप बचा हुआ ज़कात में अदा कर दें, आपकी पूरी ज़कात अदा हो जाएगी। बहुत खूब हजरत, सवाल ये है कि अगर ज़कात ज़्यादा दे दी तो क्या वापस मांगे? हाँ, ये भी अच्छा सवाल किया। अगर ज़कात ज़्यादा चलेगी, अब आप पर डिपेंड करता, आप अगले साल की ज़कात में एडवांस उसको सबमिट कर दें तो अगले साल वाली ज़कात में वो चली जाएगी। और अगर वो कहते नहीं, आप सदक़े की नीयत करना चाहते, सदक़े में चली जाएगी, ठीक है ना। और अगर आप उसको नहीं देना चाहते उतना आप माइनस कर लें, क्योंकि ऑलरेडी आप दे चुके हैं। तो आप पर डिपेंड करता है कि आगे वाले क्या तो उसको शामिल कर दें, और चाहें तो आप उस पर बाद वाले में से माइनस कर लें। एक ही भाई है, हम उसको कुरान हाफिज़ा कराना चाहते हैं और पढ़ने के लिए बता दीजिए कि अच्छी मदरसे में एडमिशन हो जाए और खैर आफियत के साथ कुरान हाफिज हिफ्ज भी कर ले, हाफिज कुरान बन जाए और अच्छे नेक सोहबत में रहें। ठीक बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी। हाँ माशाल्लाह, उसके लिए नोट कर लें कि अच्छा मदरसा मिल जाए, कुरान हाफिज़ हो जाए। उसके सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 80 नंबर जो आयत है, ये आपने 101 दफ़ा पढ़नी ईशा के बाद, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, ये पढ़ के दुआ करनी है। और ये 41 डेज़ आपने ये अमल करना है, इंशाल्लाह उसको अच्छा मदरसा भी मिल जाएगा, अच्छे उस्ताद मिलेंगे और वह हाफिज़ कुरान भी बन के निकलेगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत